बिस्मिल्लर किसान भाइयों बिन्यामिन शौकत आपकी ख़िदमत में हाजिर है आप किसान न्यूज़ देख रहे हैं आ, किसान भाइयों हुकूमत ने इस साल जो जरात के लिए बजट मुख्त किया है इसकी टोटल अमाउंट तकरीबन छिहत्तर अरब रुपये बनती है जो गुजशत साल की नस्बत अठतीस फ़ीसद ज़्यादा है तकरीबन अठत्तीस फीसद ज़्यादा बजट जो है इस साल एलोकेट किया गया है ज़रात की बेहतरी के लिए बाहर तो जो बजट होता है वो हर साल जो गवर्नमेंट पेश करती है वो अल्फ़ाज का गोरख धंधा होता है लेकिन इस साल लग रहा है कि ये वाकई में किसान दोस्त बजट पेश किया गया है आ, लेकिन एक सवाल अपनी जगह पे बरकरार है कि ये निगरान हुकूमत है और तीन से चार माह की मेहमान है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन किसने करवानी है और पैसे कहाँ से आने हैं बहरहाल ये एक सवाल है तो अगर इसकी इन ट्रू स्पिरट इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है इस बजट की तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये किसानों के लिए इंतहाई खुश आइन बजट होगा बजट के कुछ खदोखाल हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा जी सबसे पहले जो जरूरी सब्सिडी है उसमें उनतालीस अरब रुपये रखे गए हैं जो गुजशत साल की नस्बत चालीस फीसद ज्यादा है यानी इस साल आपको उनतालीस अरब रुपये किसानों को सब्सिडी की मद में मिलेंगे जिसमें खादों की सब्सिडी शामिल है और ट्यूबेल्स की शामिल है और बाकी जहाँ जहाँ बीज है इसमें पेस्टिसाइड है वीडीसाइड्स हैं जहाँ जहाँ हुकूमत सब्सिडी देती है पिछले साल की नस्बत चालीस फ़ीसद पिछले साल ये जो अमाउंट थी तकरीबन बीस बाईस अरब के करीब थी इस वक्त 38 अरब कर दिया गया है इस अमाउंट को तो ये ह्यूज अमाउंट है तो उम्मीद की जा रही है कि इस साल ये अमाउंट किसानों की वेलफेयर के ऊपर इस्तेमाल इसके अलावा जी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबे जो हैं ज़रात के महकमा जरात के अंडर जो चल रहे थे उसमें भी अब इक्कीस अरब एलोकेट कर दिए गए हैं और ये बजट भी गुजशत साल की नस्बत इकतीस फीसद ज्यादा है पिछले साल ये बजट जो था तकरीबन तो ग्यारह बारह अरब के करीब था इस वक्त ये इक्कीस अरब है किसान भाई इस बजट में दो बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं एक तो ये है कि चीन के इश्तराक से पंजाब एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी पार्क बनने जा रहा है इसमें जो मॉडर्न जरात है उसके कुछ मॉडल्स रखे जाएंगे और फिर मॉडर्न जो क्रॉप्स हैं उनके कुछ मॉडल पेश किए जाएंगे और जहां जहां डेवलपमेंट हो सकती है ज़रात में वो सारी चीज़ें इस पार्क में मौजूद होगी पार्क ये हज़ारों एकड़ पर महीत होगा और उसमें मुख्तलिफ ट्रायल्स चीज़ों के लगाए जाएंगे तो ये चाइना के साथ हमारा जो इश्तराक है इस मामले में मेचोर स्टेज पर पहुँच चुका है तो ये बहुत जल्द आपको इसके ऊपर तामीरी काम होता हुआ नज़र आएगा इसके अलावा किसान भाइयों जनूबी पंजाब में पचास हज़ार एकड़ बंजर जमीन पर इस साल हुकूमत ने प्लान किया है कि वहाँ खजूर के बागात लगाए जाएंगे और उनको सरसब्ज किया जाएगा और इस खजूर से जब एक्सपोर्ट करेंगे हम तो हमारे पास अरबों डॉलर का कीमती जर लाएगा तो ये भी प्लान इस साल हकूमत तो इस साल हकूमत ने इस प्रोजेक्ट का बजट भी शामिल कर दिया है और उसको डॉक्यूमेंट कर लिया गया है किसान भाई जो आपको सब्सिडी दी जा रही है ये कहाँ इस्तेमाल होगी आइए आपको इसकी तफसील बताते हैं तस्दीक शुदा बीजों की फ्राहमी के लिए छह अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं खादों की रायती नरखों पर फ्राहमी के लिए दस अरब रुपये जबकि बाईसो साठ किलोमीटर खाला जात की इसलाह व पुख्ती के लिए ग्यारह अरब रुपये बजट का हिस्सा है शमसी तो से लेस जदीद निज़ाम आपाशी के मनसूबा जात के लिए इस साल तीन अरब रुपए हुकूमत ने रखे है फसलों की बीमा पॉलिसी के लिए दो अरब रुपये जरि आलात की फ्राहमी के लिए दो अरब रुपए और बंजर जमीनों की बहाली के मनसूबा जात के लिए पाँच अरब रुपए मुख्त किए गए हैं इसके अलावा किसानों को जदीद टेक्नोलॉजी खालों की असलाह और फसलों के जरिए मुदाखिल के लिए मुख्त शुदा रकम तेरह अरब रुपए है चार नए जरियी तहकीकती इदारों के क्याम और मौजूदा इदारों की इसतार बढ़ाने के लिए दो अरब रुपए मुख्त किए गए हैं जरिए यूनिवर्सिटी में मैार तलीम की बेहतरी के लिए दो अरब रुपए जरी तो सर्विसेज की बेहतरी के लिए एक अरब रुपए जनूबी पंजाब में तीन नई मंडियों का क्याम भी अमल में लाया जाएगा इसके लिए एक अरब रुपए मुख्त किए गए हैं जबकि दो अरब रुपए दीगर तरक्याती मनसूबों के लिए मुख्त हैं जी किसान भाइयों ये था किसानों के लिए बजट दो हजार तेईस चौबीस जिसके खुद खाल हमने आपको बताया उम्मीद करते हैं हुकूमत ने जिस जज्बे के साथ ये बजट पेश किया है इसी जज्बे के साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी ताकि ये असल मरात जो है वो जो हकदारान हैं किसान और जरात और ज़री ज़मीनें और हमारे ज़री आलात उन तक पहुंच सके इजाजत दीजिए खुदा हाफिज़